केस ऑफ राइनिया स्टैंड। राइनिया की स्टैंड की अनुप्रस्थ काट आप लोग जानते होंगे कि राइनिया एक फॉसिल प्लांट होता है, यह एक जीवाश्मीय पौधा होता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि राइनिया के कुछ अवशेष हैं जो हमें भूगर्भ शास्त्र ने पता किया है कि राइनिया सिर्फ अवशेष मात्र इसके प्राप्त किए गए हैं, यह आज प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन की पूरी जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको रिप्रोडक्शन में इसकी स्टेम एवं इसकी स्पोरोगोनियम को देखा गया है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि टीएस ऑफ राइनिया स्टेम, राइनिया की स्टेम की अनुप्रस्थ काट इस प्रकार काटते हैं, तब हमको उसकी संरचना इस प्रकार दिखाई देती है। ओके, तो हम इसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं स्टेम को। हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके तीन भाग। सबसे पहला भाग होता है एपिडर्मिस, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस की लेयर। सेकेंड भाग होता है इसके अंदर का, जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक, उसके बाद थर्ड पोर्शन होता है इसका मिडिल वाला एरिया, जिसको हम कहते हैं स्टेम। तो कहा जाता है कि जो इसकी एपिडर्मिस होती है वह एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, एक भित्ति होती है जिस पर क्यूटिकल का आवरण चढ़ा रहता है। किसका आवरण? क्यूटिकल का। जो ये क्यूटिकल का आवरण है, सिंगल लेयर होती है, इसमें बीच बीच में मध्य में कुछ स्टोमेटल कैविटीज पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा रंध्र के नाम से जानते हैं। ओके, उसके बाद जो आपकी एपिडर्मिस की लेयर होती है उसमें जो स्टोमेटा है यह अंदर की ओर एयर स्पेस में, जिसको हम कह सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में खुलते हैं। ओके, फिर आते हैं हम कॉर्टेक्स की बात करते हैं। तो ये जो कॉर्टेक्स होता है, ये कॉर्टेक्स दो भागों में डिवाइड होता है, जिसको हम आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि जो आउटर कॉर्टेक्स होता है ये, इसको हम कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, इसको हम हाइपोथैलेमस की लेयर भी कह सकते हैं। ये 2 से 3 लेयर होता है आउटर कॉर्टेक्स। कितनी लेयर? 2 से 3 लेयर का होता है। ठीक, इसकी कोशिकाएं षड्भुजाकार होती हैं। इन कोशिकाओं में अंतरा कोशिकीय अस्पाल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, अनुपस्थित होते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम अंदर के कॉर्टेक्स पे आते हैं, इनर कॉर्टेक्स कहते हैं। इसकी कोशिकाएं गोल आकृति की होती हैं एवं इनके मध्य में, बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, मतलब बड़े बड़े अंतरा कोशिकीय अवकाश जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पाए जाते हैं। ठीक, तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि कॉर्टेक्स दो भागों में होता है, आउटर और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स षड्भुजाकार था, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं थी, एवं इनर कॉर्टेक्स कैसा था, गोल आकृति के थे एवं इसकी कोशिकाएं गोल आकृति के साथ साथ इनके मध्य में बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेस थे जो बाहर की ओर स्टोमेटल कैविटी स्टोमेटा से ज्वाइंट थे, एवं इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट्स पाए जाते थे, जिनके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इजीली हो जाती है। ओके, थर्ड पोर्शन है आपका स्टील। स्टील आप जानते होंगे कि स्टील किससे मिलकर बना होता है, जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है हमारा स्टील। तो इसमें प्रोटोस्टीलिक कंडीशन पाई जाती है। कौन सी कंडीशन? प्रोटोस्टीलिक। प्रोटोस्टीलिक का मतलब होता है जब कभी जाइलम मध्य की ओर हो एवं फ्लोएम इसको चारों तरफ से कवर्ड किए हो, उस कंडीशन को हम प्रोटोस्टीलिक कंडीशन कहते हैं। ओके, तो येलो कलर का जो आपको दिख रहा है ये मध्य में जाइलम है एंड चारों तरफ से इसको फ्लोएम कवर्ड किए हुए होता है। कहा जाता है इसमें एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल एब्सेंट होता है, अनुपस्थित रहता है। पेरिसाइकिल की लेयर और एंडोडर्मिस की लेयर नहीं पाई जाती है एवं पिच भी नहीं पाया जाता है। ओके गाइस, आई थिंक आज आपको समझ में आया होगा टीएस ऑफ राइनिया स्टेम। ऐसे ही जैसे स्टेम को पाया गया था तो हमने ट्रांसफर सेक्शन देख चुके हैं, वैसे ही हम जानते हैं कि एलएस ऑफ स्पोरोगोनियम, राइनिया जो प्लांट है इसकी स्पोरोगोनियम ऐसे प्रकार पाई गई। जब हमने इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया तो हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। कहा जाता है यह नाशपाती के आकार की होती है, पियर शेप्ड। स्पोरोगोनियम कैसी होती है? पियर शेप्ड होती है एवं ऊपर सिरे पर नुकीली एवं निचले पोर्शन में यह चौड़ी होती है। बाहरी आकृति
जाती है, लेकिन